Hello everyone, welcome to Abhimanyu IS. This is Ramesh, senior faculty Abhimanyu IS. And hope कि आप लोगों की PGS paper 1 जो आज हुई है वो बहुत अच्छी गई है. यू पीपल हैव अटेम्प्टेड, या aspirants हैव अटेम्प्टेड द पेपर 1 इन अ वेरी स्मूथ मैनर, बिकॉज क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है ऐसा नहीं था कि इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर. इसकी एनालिसिस अभी हम करेंगे. विल डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द GS पेपर 1, स्पेशली द पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो कि मैं हिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ अभिमन्यु आईएएस के अंदर. तो कैसा रहा पेपर, क्या नेचर था क्वेश्चन का, ट्रेंड कैसा है GS पेपर 1 का, व्हाट इज द ट्रेंड फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स, किस तरह से ट्रेंड्स आर फ्लक्चुएटिंग, द स्क्रूडनेस ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चंस, कि किस तरफ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कंसिस्टेंट उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं. कुछ बहुत चेंजेस विल सी टू इट कि हाँ पिछले 1-2 सालों में हम एक सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसकी जो नेचर है या ट्रेंड है उसकी ट्रेंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो रही है. तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं. तो फिर देखते हैं, आइए स्टार्टिंग. फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री की है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स, वेरी केयरफुली, टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज. टेम्पल के अंदर जो स्कल्पचर्स बन रही है मेडिवल इंडिया पे, ठीक है, वो कैसे उस वक्त के सोशल लाइफ को दर्शाता है, या सोशल लाइफ जो उस वक्त है उसे नजर पे रख के टेम्पल के अंदर स्कल्पचर्स बन रहे. तो इंपॉर्टेंट इज टू डिराइव द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, टेम्पल स्कल्पचर्स. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं. और अगर मैं ये कहूँ तो ये कहना सही गलत नहीं होगा कि द पीपल हु या द स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड द हिस्ट्री क्लासेस या कल्चर क्लासेस फ्रॉम द पास्ट 4-5 ईयर्स अंडर माई मेंटरशिप, दे वुड फाइंड इट वेरी कंड्यूसिव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन. वो आराम से ये क्वेश्चन को लिख पाएंगे. कंटेंट में थोड़ी बहुत हो सकती है कमी, किसी का कम किसी का ज़्यादा, बट क्वेश्चन का डिमांड को वो फुलफिल करेंगे, एंड दैट इज वॉट इज नीडेड इन UPSC मेन्स एग्जामिनेशन, ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री के अंदर आया है. अगर ओवरऑल पेपर के बारे में बात करूं एनालिसिस की, तो इंटर सब्जेक्ट वेटेज, इंटर सब्जेक्ट वेटेज की अगर हम बात करूं तो इसकी बाइफर्केशन अगर हम करते हैं कि हाँ भाई GS पेपर 1 के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे मेंस आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया की बात अगर हम करें तो स्पेसिफिकली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, ये क्वेश्चंस हैं. वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी या फिर सोशल इश्यूज की बात कर लें, ये 5 सब्जेक्ट है जहां से GS, दीज 5 सब्जेक्ट्स कंप्राइज पेपर 1. तो अब इनके बीच में सब्जेक्ट की क्वेश्चंस के वेटेज क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम कौन से सेक्शन से ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछा गया है. तो अगर इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर से. एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा मेडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके बाद एक गुप्ता एंड पाला पीरियड के क्वेश्चन, एंड एक और क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे. 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन आर्ट एंड कल्चर. मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडिया. अभी हम इसके क्वेश्चन का नेचर कैसा रहा वो भी हम देखेंगे. वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें, द मोस्ट बेसिकली वेरी बिजार थिंग इज कि वर्ल्ड हिस्ट्री की से एक भी क्वेश्चन नहीं है, 0, नो क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. और वर्ल्ड हिस्ट्री की ट्रेंड की अगर बात करें या इंटर सब्जेक्ट की वेटेज की बात करें तो ट्रेंड इस तरह से कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर रहा है कि फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स UPSC कभी 1 क्वेश्चन पूछती है और कभी नहीं भी पूछती है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि UPSC ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा. दिस इज द सेकेंड टाइम कि UPSC वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. दो वर्ल्ड हिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिलेबस,
कि ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो तो आपका आईआर और सिक्योरिटी पार्ट, और खास करके वो रिलेटेड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न इंडिया से भी रिलेटेड है, तो ये समझना बहुत ही, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर तो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, और मेंस के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं आ रहा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या स्किप किया जा सकता है. नो, दिस वुड बी एन एडवर्स स्टेप टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. सवाल पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी इज कि ईच एंड एवरी पेपर इज इंटर रिलेटेड. अगर आप एक सेक्शन छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ में कमी रह जाएगी. तो क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपने ये स्ट्रैटेजी में बिल्कुल चेंज नहीं करना कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पिछले 2 साल से तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है. नो, इफ यू डोंट स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री यू विल नॉट बी एबल टू एंटिसिपेट द डेवलपमेंट्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी पार्ट, और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसे भी समझने में दिक्कत आएगी, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी कहीं ना कहीं एंगल बनता है, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट बनता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड मार्क्स का क्या कहना है नहीं कहना है, वो सारी चीज़ें हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं. रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है. तो दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, तो ऐसा नहीं करना है कि स्किप कर देना है, ठीक है. ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है ज्योग्राफी के अंदर से, दैट इज 8 questions फ्रॉम ज्योग्राफी, 8 questions ज्योग्राफी से पूछा गया है, और सोसाइटी की बात करें तो 5 questions. यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफी और सोसाइटी में थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो सकती है कि 6 society से हो गए, 7 geography से हो गए, बट मोर और लेस सबसे ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी के है, उसके बाद मॉडर्न इंडिया और सोसाइटी के है, एंड देन आर्ट एंड कल्चर. तो 4 questions यहाँ से, 4-5 यहाँ से, 4 मॉडर्न इंडिया से, तो 8-5-13, 4-17 and 3-20, 20 questions. 8 questions ज्योग्राफी से, 5 questions सोसाइटी से, 4 questions मॉडर्न इंडिया से, और 3 questions आर्ट एंड कल्चर से. तो ये इंटर सब्जेक्ट वेटेज है जीएस पेपर 1 का, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज क्वेश्चंस, नेचर कैसा है, नेचर क्या है इस क्वेश्चंस का, क्या वो बेसिकली टफ है, मॉडरेट है, इजी है. तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं एग्रीगेट सेंस में, एग्रीगेट में अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर 1 इनकी पेपर की नेचर जो है मॉडरेट से इजी ही होगी, बट ये टफ नहीं है. ऐसा नहीं है कि जीएस पेपर 1 टफ है, दिस इज नॉट द केस इस साल जीएस पेपर 1 के अंदर, वरना जीएस पेपर 1 के अंदर कुछ क्वेश्चन जो होते थे सोसाइटी से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड, दोस क्वेश्चन वाज समथिंग समवेयर इट वाज कमिंग आउट फ्रॉम द पेंडोरास बॉक्स, और वो फर्स्ट टाइम हम देखते थे. बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चंस फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी, क्वेश्चन फ्रॉम ओशनोग्राफी, ओशन करंट्स, साइक्लोन्स, ठीक है, रॉक्स, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस वर बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत टफ. हिस्ट्री के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ओवरऑल, हिस्ट्री की एक तो कल्चर और दूसरा मॉडर्न. मॉडर्न के क्वेश्चन में 1-2 questions हैं, 4 में से 2, 1 से 2 questions ऐसा है कि यू नीड टू पॉन्डर अपॉन योर कंटेंट, कि आपने क्या पढ़ा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है 18th century, 19th century को लेके स्पेशली. तो मोर लेस ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कंटेंट नहीं होगा उसको लेके, मे बी यू माइट हैव समथिंग लेस कंटेंट, कुछ बुलेट, कुछ फर्दर पॉइंट्स आपके पास कम हो, किसी के 1 फर्दर पॉइंट ज़्यादा होंगे, बट आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी मैं इनको मॉडरेट से मॉडरेट बोल रहा हूँ. मॉडरेट टू ईजी इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, ठीक है. तो मॉडरेट कुछ एक क्वेश्चन जैसे आर्मी के ऊपर पूछा गया है, जैसे फमीन और ड्रॉट के ऊपर पूछा गया है कि 19 से ब्रिटिश के आने के बाद क्यों ड्रॉट और फमीन इट टर्न आउट टू बिकम वेरी मच इंटरमिटेंट, तो वो कुछ एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको थोड़ा पॉन्डर, यू नीड टू पॉन्डर अपॉन इट. बट ओवरऑल अगर बात करें तो मॉडर्न के क्वेश्चन मॉडरेट है. कल्चर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ यू आर एबल टू डिराइव द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड को पकड़ लिया, वो क्वेश्चन आपको यू विल बी एबल टू रिलेट वट यू हैव स्टडीड, आपका कंटेंट से आप रिलेट करके उसे लिख पाओगे, एक अच्छा आंसर आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, ठीक है. तो कल्चर के क्वेश्चन कभी कभार होते थे कि बहुत ज़्यादा
होते थे फिलोसॉफिकल। एक क्वेश्चन इस पर हम आई वुड लाइक टू डिस्कस कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर। एक तो ये क्वेश्चन, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सोचना है आपको कि गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड की जो कल्चर की सिग्निफिकेंस क्या है। मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। मेन कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारे, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि ये दोनों की जो बेसिकली डायनेस्टीज थे, ये बेसिकली एम्पायर्स थे, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली ऑन दी आर्ट एंड कल्चर स्पेयर। तो यू बहुत सारे कंटेंट है यहाँ पे, बस आपको सोचना है कि लिखना क्या है यहाँ पे। दिस वॉज द क्वेश्चन, बेसिकली एक आई कैचर है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस क्या है। ये नहीं पूछा गया कि डिस्कस करिए लायन और बुल फिगर उसकी रिप्रेजेंटेशन, नहीं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस। तो यहां पे थोड़ा जो एस्पायरेंट्स होंगे माइट बी दे कि सिर्फ डिस्कस को सामने रखते हुए ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बट डिस्कस सिग्निफिकेंस पूछा गया कि सिग्निफिकेंस लायन और बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो बहुत सारे मिल जाएंगे सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे रिलेटेड टू हिंदुइज्म ऑल्सो मिल जाएगा, रिलेटेड टू आपको बुद्धिज्म मिल जाएगा, ठीक है, हिंदुइज्म में माइथोलॉजीज में क्या है वो मिल जाएंगे। तो आपको बस यूनिट टू पॉइंट थोड़ा सा आपने सोचना है कि डिस्कस क्या करने बोल रहा है, व्हाट इज टू डिस्कस, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। लायन बुल फिगर का उस माइथोलॉजी में या उस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में होना क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा माइट बी, बट कंटेंट यहाँ पे भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो एज आई टोल्ड यू कि स्पेशली द एस्पायरेंट ऑफ अभिमन्यु अपीयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं, तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी हिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि हमारी जो क्लासेस चली है वो चली ही है बिल्कुल इसी फैशन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का नेचर रहा। अब हम आते हैं कि ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड। तो मॉडर्न का हो गया ये हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न का हो गया ये हिस्ट्री का हो गया, ये ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन सिंपल थे, वन और टू क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, ट्रिकी नॉट इन द सेंस कि बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप लोग पढ़ रखे हो वो चीज़, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, रबर प्लांटेशन, विंड एनर्जी, ये हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। विंड एनर्जी तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। रबर प्लांटेशन के एक क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो दीज थिंग्स आर, मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के सिंपल रहे हैं, इट इज़ नॉट कि डिफिकल्टी लेवल इसकी हाई है, ऐसा नहीं था। तो ज्योग्राफी, देन वी कम टू सोसाइटी। सोसाइटी और ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन हैं दो, इनमें थोड़े करंट अफेयर्स की भी एंगल हैं, और ये हर साल ही होते हैं, इसे समझना है। जैसे वर्क फ्रॉम होम के ऊपर क्वेश्चन है कि हाँ भाई वर्क फ्रॉम होम का असर फैमिली रिलेशनशिप में क्या है, तो करंट अफेयर्स है कि स्पेशली आफ्टर कोविड ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंडिया पे प्रिवेल कर रहा है ज़्यादा, है ना। तो इसके लिए वो करंट से भी रिलेटेड है, सोसाइटल इम्प्लीकेशंस। फिर ज्योग्राफी से भी कुछ करंट के क्वेश्चंस रिलेटेड है, तो इस तरह से करंट के कुछ वेटेज है कि टोटल पेपर में 20 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो करंट से थोड़ा रिलेट कर रहे हैं, कुछ तो डायरेक्टली करंट से हैं, कुछ करंट से या डिराइव फ्रॉम करंट से रिलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत करंट वाला एंगल भी पेपर वन के अंदर है, जो कि हर साल होता है, ठीक है। कभी सेकुलरिज्म को लेकर होता है, कभी कम्युनलिज्म को लेकर होता है। इस साल
सोसाइटी के वर्क फ्रॉम होम को लेके है और मेनली ज्योग्राफी में कुछ अर्बनाइजेशन को लेके भी है. तो करंट भी एंगल बन रहा है. जो क्वेश्चन नहीं बन मिला है दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री, ये ध्यान रखना है आपने. तो ये नेचर ऑफ पेपर कहते कि हाँ भाई मॉडरेट टू इजी है. जो एक एस्पायरेंट हु इज अ डिलीजेंट हु हैव डिलीजेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज दे वुड फाइंड इट कि हाँ मॉडरेट है. और एस्पायरेंट्स दोज हु आर हैविंग हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल उनको वो हिस्ट्री के क्वेश्चन आसान ही लगेंगे, वो आराम से अटेम्प्ट करेंगे, उसे उनको दिक्कतें नहीं आएगी. तो दे ही विल द एस्पायरेंट ऑफ हिस्ट्री विल हैव एन अपर हैंड. ठीक है, अब ट्रेंड ट्रेंड की बात करते हैं. ट्रेंड क्या रहा है? तो ट्रेंड हमने क्या देखा है कि हमेशा से ज्योग्राफी की जो वेटेज रही है वो ज्यादा रही है. हमेशा इंडियन आर्ट एंड कल्चर इससे कभी दो कभी तीन. तो मतलब ये भी सेट रखते हैं, कभी एक दो पूछ लिया कभी तीन पूछ लिया, लेकिन ज्यादातर तीन पूछा जाता है, दो से तीन. तो वो ट्रेंड भी चल रहा है, सेम है. सोसाइटी से भी पांच छह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पांच क्वेश्चन पूछा गया है. मॉडर्न से कभी पांच पूछते हैं, कभी छह पूछते हैं, कभी चार पूछते हैं. तो ये चार पांच छह वाली ट्रेंड चल रही है. तो इस बार इन्होंने चार पूछा. ट्रेंड में जो चेंजेस दिख रहे हैं हमें नावडेज दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी एक पूछा जाता है, एक वक्त दो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर दो से एक हुआ. अब कुछ दिनों से देख रहे हैं हम, कुछ सालों से कि ये बेसिकली कपल ऑफ इयर्स कि एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड इट इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स. तो इसका मतलब ये दिस डज नॉट मीन एनी हाउ या एनी वे कि यू विल नॉट पुट इन मोर द रेलेवेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज गेटिंग डिक्रीज इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री इन दी सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज. ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना नहीं है. मैंने आपको बताया कि इसके रिलेशन कहाँ कहाँ है. वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो थिंकर्स भी हम जो पढ़ते हैं, कुछ फिलोसोफर्स या थिंकर्स भी पढ़ते हैं, वी नीड टू कोट इन आर आंसर्स ऑल्सो. कुछ फॉर्डर पॉइंट्स, कुछ कोट्स उन थिंकर्स के, उन फिलोसोफर्स के हम अपने आंसर्स में भी कोट करते हैं, एसेज में भी कोट करते हैं. फिर एथिक्स इंटीग्रिटी में कभी 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 काम उनके थिंकर्स फिलोसोफर्स के थॉट प्रोसेस हम कोट करते हैं. तो यू विल हैव टू स्टडी इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट या वैल्यूएशन अपने कंटेंट को करने के लिए या फिर फॉर्डर पॉइंट्स के लिए. तो दिस वॉज द ट्रेंड. अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली सवाल यह है कि ये पेपर का नेचर कुछ सालों से इस तरह से आ रहा है जीएस पेपर वन का, तो इसके अप्रोच कैसी होनी चाहिए. अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इस अप्रोच से हम चलें कि हम जीएस पेपर वन में वी कैन एबल टू स्कोर 120 प्लस. ठीक है, इन ऑर्डर टू फच हैंडसम मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड टू क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन. तो 120 कैसे स्कोर किया जाए, 120 प्लस कैसे स्कोर किया जाए. कि ऐसे एस्पायरेंट्स भी हैं जो 130, 135, 125 स्कोर करते हैं, वो कैसे किया जाए. तो उसके लिए तो सबसे पहली बात कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी अड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अनलेस एंड अंटिल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज अड्रेस्ड, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे. और उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के बाद, क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करने के बाद, उसकी वैल्यू एडिशन, सब्सटेंशिएशन कैसे होगी कंटेंट की. कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ अपने आंसर में, लिख रहा हूँ, तो मैं यूं ही नहीं लिख रहा, मैं साथ में तथ्य भी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ. तो वैल्यू एडिशन और साथ ही साथ कंप्लीशन ऑफ पेपर अटेम्प्ट. हाँ, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट करें, उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है. तो ये मोटे तौर पे एग्जामिनेशन मेंस में क्या अप्रोच, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की अप्रोच होनी चाहिए, वो उसके बारे में हम बात कर रहे थे. सिलेबस को कैसे कवर करें, जैसे कैसे पढ़ें, इसकी अप्रोच बेसिकली विल डिस्कस सम अदर डे. और उसी फैशन में हमारी क्लासेस भी चलती हैं कि हाउ टू स्कोर, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी एज वी नो इट इज एन अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो एवरी ईयर दे कम आउट विथ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस, और हम यहाँ पे कोशिश यही कर रहे हैं कि उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम एस्पायरेंट्स को कैसे तैयार करें. क्योंकि कल दिन
आप नौकरी में भी जाते हो, आप IAS बनते हो, IPS बनते हो, IRS बनते हो, ऐसा नहीं है कि यू गेट एन एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन योर हैंड एंड यू कैन डू एनी थिंग. देर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द रिसोर्सेज विच वुड बी लिमिटेड एंड यू विल हैव टू वर्क विद दैट लिमिटेड रिसोर्स ऑल्सो. तो इन जुक्सटापोजिशन हियर ऑल्सो यू हैव कंटेंट की रिसोर्सेज की बात अगर हम करें, दैट इज योर रिसोर्स, योर वेपन इज योर कंटेंट, वो भी लिमिटेड रहेंगी. बट आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हाउ टू यूटिलाइज दैट कंटेंट, हाउ टू यूटिलाइज, वेन टू यूटिलाइज एंड वट टू यूटिलाइज एंड हाउ मच टू यूटिलाइज. तो उसकी तैयारी बेसिकली हम यहाँ पे उसी की ट्रेनिंग एस्पायरेंट्स को देने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं. तो आशा करता हूँ कि आपकी ये पेपर बहुत अच्छी रही होगी और आने वाले पेपर भी आपके बहुत अच्छे होंगे. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. ठीक है, तो अगले पेपर के एनालिसिस के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन. थैंक यू.